कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। हो गया जी सब ठीक? हुआ भी और नहीं भी। तुम्हें श्यामलाल जी बुला रहे हैं। किस वास्ते? वो जाके दलपत को समझा आए हैं कि एस्ट्रे जेबी ने नहीं प्रिंस ने मारी है। वो चाहते हैं कि तुम भी यही कहो। डरा रहे हैं कि नहीं तो पापा का लाखों का नुकसान होगा और मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दोस्त ऐसा करते हैं, हम दोनों भी वहीं जाकर छिप जाते हैं जहां बबली को छिपाया है। इसी बीच में पापा हमें छुड़ाने का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। जी ना तो मैं आज तक कभी किसी डर या शर्म के मारे छुपा, ना अब छुपूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम श्यामलाल जी से मिल लो। आ भाई पुराने किले के प्रिंस, आज कैसे भूल पड़ा? जी जेबी साहब कह रहे थे कि आपने दलपत को समझा दिया है कि उसके सर पर एश्ले मैंने मारे। देखो भैया, मैंने कुछ नहीं समझाई, ये तो वकीलों के खेल हैं सब। आपका मतलब है हबीब साहब ने समझाया दलपत को? देखो भैया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और अगर इतने अकलमंद हो और इशारों से समझते हो तो एक बात और समझ लो मेरे प्यारे भाई, ये लालाओं की नौकरी है और इसमें कारिंदों से हमेशा कुर्बानी देने को कहा जाए। जी सुनो जी कारिंदो, अगर तुम माल बने तो हम करो, और अगर जेल जाने की नौबत आए तो तुम जाओ। मतलब साफ है, एस्ट्रे जिसने भी मारी हो जेल तुम्हें ही जाना पड़ेगा, और वो भी राजी खुशी। क्यों? वो इसलिए कि तुम इतने गरीब हो कि अपने लिए नमक तक खरीद कर ना खा सके, अगलों का दिया खातर है तो अब दिखाओ नमक। दिल्ली आकर नया कुछ लिखा वीर जी? दिल्ली आकर मास्टर जी उदास रहने लग पड़े। दिल्ली तो इन्हें कभी भी पसंद नहीं थी, कहते थे दरबारियों का शहर है। सच, दिल्ली मुझे पहले भी कभी रास नहीं आई, और अब तो बेहद उदास करती है, जैसे ये हमारे दर्दों की राजधानी। किस तरह की बातें करते हो मास्टर जी, ये तो हमारी उम्मीदों की राजधानी है। खुदगर्ज उम्मीदों का ही तो दर्द है सारा। दिल्ली में एक नया हिंदुस्तान जन्म ले रहा है मास्टर जी। जो मर रहा है मुझे उसका ज्यादा अफसोस है लाजो जी। दिल्ली से दूर भाग जाने को दिल करता है। वाह, इनकलाबी से होते होते सन्यासी हो चले मास्टर जी। जब तक लाजो जी के मुंह से बंधे हैं तब तक सन्यासी कैसे हो सकते हैं मास्टर जी? तब तो इस बंधन को और भी कसना पड़ेगा। सन्यासी जिसे बनना हो उसे कोई बंधन नहीं बांध पाता, हमारी वीरावाली को बांध सका। आपकी वीरावाली की तो मजबूरी थी, मगर बच्चे के लिए मोह कभी नहीं गया। हालांकि लाजो मना कर रही है, लेकिन आज भी मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने को। ना जी ना, सतबीर के मन में वैसे ही शक पड़ा हुआ है। पिछली बार एक झलक देख लिया तो यही कहता रहा, ये प्रज्ञावती जी तो हो बहुत तस्वीर वाले बुआ जी जैसे दिखते हैं। मेरे वास्ते तो अब दिल्ली आना ही मुसीबत हो चला है। मंगला है मेरी शिष्य और सतबीर का इसके यहाँ आना जाना है। ये आप जोर दे रही है कि सतबीर जी को मिलने का वक्त दो। और ये मंगला उन्हीं लाला वृषभान की बहू बनने वाली है। मेरे को पता है, जैसे ये आप बच्ची बच्ची सी है वैसे ही वो लड़का भी है जिससे इसकी शादी होने वाली है। मेरे को मिलवाया है मंगला ने उससे, उसकी माँ से भी मिलवाया है। इसी मारे तो और भी मुसीबत है, वो लोग जिद करते हैं हमारे घर आओ। तू तो वापस उत्तरकाशी चली जा और इनको भी साथ ले जा, इनका वहां मन लगा रहेगा। जरूर ले जाऊंगी,
लेकिन जाने से पहले अपने पुत्र की एक झलक जरूर देखना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन इस तरह कर, चेहरा अच्छी तरह से ढक ले, काला चश्मा डाल ले और दूर से देख लेना। यही पल्ला थोड़ा आगे और सरका, चेहरा लपेट ले ठीक से, बस अब इस सिरे को दांत में दबा ले, नहीं उड़ेगा हवा में। मेरे ख्याल से तो ये सब गैर जरूरी है। मास्टर जी, दुनियादारी के मामलों में आपका बोलना ठीक नहीं। लाजो जी, सत्यवीर ने यही तो कहा है ना कि प्रज्ञावती की सूरत बुआ जी से मिलती, फिर देखेगा तो फिर वही कहेगा। आप भी वही कह देना जो पिछली बार कहा था कि बुआ जी से सूरत मिलती है, इसीलिए मुझे और भी अच्छी लगती। आमने सामने हो जाने से गड़बड़ हो जाएगी मास्टर जी। कुछ नहीं होगा वीरावाली, चल। नहीं वीरावाली, तो यहीं रह, हमने अभी उसे भेज देना किसी बहाने से, तो उसे देख लेना और फौरन चली जाना। चलो मास्टर जी। जी आप किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं जी, इंतजार कर रही। आप प्रज्ञावती बहन जी हो ना? हाँ पुत्र, आश्रम में लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। आप शुरू के ही आश्रम में हो क्या? नहीं। तो जी आश्रम में जाने से पहले आप कहाँ थे, तब आपको लोग क्या बुलाते थे? संन्यास तो अपना क्रियाकर्म करा के लिया जाता है पुत्र। पहले वाली पहचान, पहले वाला चित, सब फूंक दिया जाता है चिता में जलाकर। जी क्या वो सचमुच फूंक जाता है? मान कर तो यही चलना होता है पुत्र। जी आज आप ये काला चश्मा किस तरह लगाए हो? सन्यासी और भी पहनते हैं क्या? मंगला को जानता है ना तू पुत्र, उसी ने जिद करके डलवा दिया था। कहते थे धूप तेज है, आंखें लाल हो जानी है। जी आंखें तो आपकी सचमुच लाल हुई पड़ी हैं। आप रो रहे हो? ना पुत्र ना। जी एक बात कहूं, मेरे बुआ जी थे, आप बिल्कुल वैसे ही लगते हो। हाँ तेरे माता जी बता रहे थे। तब तो माता जी ने ये भी आपको बताया होना है कि मैं आपसे बहुत मिलना चाह रहा था। तेरे माता जी ने, मंगला ने, सब ने बताया, इसी करके आए पुत्र। मुलाकात हो गई, अब चलो। आप भीतर चलो ना जी, माता जी होरी से मिलो। तेरे माता जी पिताजी से मैं मंगला के यहाँ मिल ली आज सवेरे। चलो ना जी, मेरा थोड़ा स्वार्थ भी है। एक ऐसा सवाल पेश हुआ है कि मैं किसी बुजुर्ग से सलाह करना चाहता था। आप भी तो मेरे बुजुर्ग हो। क्या बात है पुत्र? जी जी, किसी दूसरे का कसूर अपने सर पे लिया जा सकता है क्या? प्यार की खातिर जरूर। लेकिन ये तो झूठ बोलने वाली बात हो गई, और जी मैं कभी झूठ बोलता नहीं। जब नाम ही सदी हुआ तब झूठ कैसे बोल सकना है तुम्हें? लेकिन पुत्र, प्यार की खातिर तो किसी भी तरह की कुर्बानी दी जा सकती है। चीते जी मरा भी जा सकता है। खुश रह, तरक्की कर। Thank you.
सत्यवीर, तू कहाँ चला गया था पुत्र? जी मैं प्रज्ञावती बहन जी आए थे। तू मिला उनसे? हाँ जी, वो अभी भी गए। कोई बात हुई उनसे? हाँ जी, मगर मेरे को ये नहीं समझ आया कि उन्हें ये कैसे पता चला कि मैं ही सतबीर हूं। मैंने उन्हें तेरी एक तस्वीर दिखा दी थी। तस्वीर तो मेरी कोई है नहीं। एक है, ट्रंक में दबी पड़ी है। आपने कभी बताया नहीं माता जी? भूल गई होनी है। और क्या बात हुई, कोई अच्छी सीख दी उन्होंने? जी उन्होंने बताया कि प्यार की खातिर झूठ भी बोला जा सकता है। सोच सोच कर अपनी सेहत क्यों खराब करो हो जी? श्यामलाल भाई साहब कोशिश में लगे हुए हैं, हबीब भाई दौड़ धूप कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मगर जय नहीं। बालक है जी बालक। देखो जी सच्ची बात, पहले से तो बहुत स्याना हो गया है। उसे अब भी बालक ही समझती हो तो घर में पालने में लिटाकर झुलाती रहा करो। शादी वादी हो जाएगी, अपने बालक हो जाएंगे तो खुद ही स्याना हो जाएगा। ऐसे गैर जिम्मेदार की शादी भी कौन करेगा? मंगला को साथ ले जाने की कही थी, ले गए अपनी सेक्रेटरी को। मंगला की वजह से लड़ाई होती तो हम कुछ कहने सुनने के लायक रहते हैं, वो लड़ा सेक्रेटरी के खातिर। अजी उस लौंडिया नहीं तो कराया कुंडा, वो जो कर रही थी वो क्या कहे हैं, वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आसन से डुला दे, फिर उस गरीब दलपत की क्या बिसात, वो जो जरा शुरू हुआ हाय तो वाह मचाने लगे। भाई वाह। नहीं वो लड़की इस तरह की नहीं है, ये जय की गलती थी जो उसे क्लब ले गया, दलपत से झगड़ा किया और उसकी ठुकाई की। ठुकाई जय ने नहीं, प्रिंस ने की। मैं कहता हूं जी, मैं श्यामलाल चश्मदीद गवाह। अच्छा आप बताइए कि हमारे जय को क्या पड़ी थी उस रिफ्यूजन की खातिर दलपत से झगड़ा करने की? वो तो सतबीर ने किया जी, उसकी लगे है वो खास में खास। दलपत का तो कहना है झगड़ा जय ने किया। अजी ये कोई मानने वाली बात है कि हमारे जय ने दलपत जैसे हट्टे कट्टे नौजवान की ठुकाई कर दी? यही तो मैं कहूं हूं कि जय मिजाज का थोड़ा गर्म जरूर है, लेकिन उसका गुस्सा बस चीखने चिल्लाने तक का है, फौजदारी तो वो कर ही ना सके है। ये तुम जाके दलपत से कहो। वो तो मैं कही आया जी, समझाई आया सब कुछ। दलपत का सर तो झुका हुआ था, उसने तो देखा ही नहीं किसने मारा। मैंने सिंह साहब से कही कि मैंने देखा प्रिंस के बच्चे ने मारा, उसे आप जो चाहे सजा दिलवा दो जी। मगर जय ने तो अपनी अम्मा से यही कही कि गुस्से में मैंने मार दिया। अजी वो तो नादान की यारी में बड़े शौक से गधे की सवारी कर रहा है, खास दोस्त समझता है ना प्रिंस को अपना। जरा उस बेवकूफ को यहां लाइए श्यामलाल जी। अजी जेबी साहब यहां कहां है? आपके साथ लौटा नहीं? आपके यहां तो गया था। अजी मेरे यहां तो उसका कदम टिका ही नहीं, फौरन दौड़ गया प्रिंस के पास। मैं अभी लाया जी पकड़ के दोनों को। यही कल ही परजाई जी के माता जी कह रहे थे कि तू रोशन से फर्क तरह का इस करके है क्योंकि असली में तू उसका भाई नहीं है। समधन जी भी पता नहीं क्यों मेरे से इतनी दुश्मनी रखती हैं। एक पुत्र को तो कर ही दिया मेरे से अलग। लेकिन माता जी क्या ये सब सच है? मैं आपका पुत्र नहीं? ना पुत्र ना, तू तो मेरे वास्ते पुत्र से भी बढ़कर है। पुत्र से भी बढ़कर? इसका मतलब ये हुआ पुत्र नहीं? रोटी हाल तक भी नहीं खाई, क्या बात है पुत्र? कुछ नहीं माता जी, आपके पास जो मेरी तस्वीर है वो दिखाओ, मेरे को तो ट्रंक में नहीं मिली। बाद में ढूंढ देती हूँ पुत्र, तू रोटी खा। क्या सोच रहा है पुत्र? जी मैं सोच रहा हूँ क्या प्यार की खातिर झूठ बोलना चाहिए। पुत्र
ये तो सारे हालात देखकर ही कहा जा सकता है। आप तो हमेशा ये कहते थे कि सच से बड़ा कोई तप नहीं है। वो तो अब भी कहता हूं, लेकिन हर कोई हर वक्त तपस्वी हो नहीं सकता। जी आप भी पिताजी, क्या आपने भी झूठ बोला है कभी? पुत्र, झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर तक ने बोला। चल पुत्र, अब रोटी खा ले। माताजी, माताजी, मैं असली में किसका पुत्र हूं? हमारा पुत्र, हमारा। ये झूठ आप किसके प्यार की खातिर बोलते हो माताजी? अजी, मैंने कही प्रिंस बाल गोपाल, यशोदा मैया से ये प्यारा सवाल फिर कभी कर लेना, अभी तो लाला जी याद कर रहे हैं। लेकिन हबीब, अगर सतबीर बेगुनाह है तो उसे फंसाना ठीक नहीं। ऐसी उसे ज्यादा आसानी से बचाया जा सकेगा। ठीक है, मैं सतबीर से रिक्वेस्ट करूंगा। क्या कहते हैं हबीब भाई? कहते हैं किसी ने किसी को सजा दिलाए बगैर सिंहसा को तसली नहीं होगी। तो वो बता रहे हैं, दलपत कहता है कि हो सकता है मुझे जय ने नहीं सतबीर ने मारा हो। मैंने कहा जी, सोने आने यही बात, भले ही जय ना मान रहा हूं। वो मिल गया? हाँ, प्रिंस ने उसे बबली के साथ गोपाल जी की बगीची में छिपा रखा था। वो यहाँ क्यों नहीं आए? लो, वो आ गए। नमस्ते माता जी। नमस्ते लाला जी। पापा, ये क्या बकवास है? अपने पापा से इस तरह ना बुला जाए जय। ये तुम लोगों से जवाब तलब करेंगे कि तुम करोगे हैं? सतबीर, क्लब में जो दलपत से मारपीट हुई उसके बारे में कुछ पूछना था तुमसे। प्रिंस से क्या पूछना, मैंने बता तो दिया था अम्मा को। लाला जी, कसूरवार मैं हूं। कैसे हो? मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि एस्ट्रिड तुमने मारी। देखो, तुमने दलपत के हाथ से एस्ट्रिड छुड़वाई जरूर, लेकिन दलपत पर मारी नहीं। भैया जेबी, तुम प्रिंस को टोक क्यों रहे हो? उसे अपनी बात कहने दो। जेबी साहब का कोई कसूर नहीं है लाला जी। ये झूठ है पापा, तुम मेरा गुनाह अपने सर पर नहीं ले सकते दोस्त। देखो सतबीर, मेरा मन ये मानने को नहीं करता कि मारपीट तुमने की, लेकिन इस कंपनी के मालिक और जय के पापा होने की हैसियत से मेरा स्वार्थ ही कहता है कि तुमने ही मारा हो तो बेहतर। अगर जय का सुरुआत ठहरता है तो सिंह साहब हमें कभी माफ नहीं करेंगे। कपड़े की सप्लाई का लाखों का काम इस बार हमसे छिन जाएगा। आर्थिक पहलू को एक बात छोड़ दिया, लेकिन कानूनी पहलू को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। कंपनी के वकील हबीबुल्लाह साहब को तो तुम जानते ही, उनका कहना है इस मामले में जय का बचाव करना कठिन होगा। लेकिन अगर कसूर तुम कबूल कर लो तो ये दलील दी जा सकती है कि तुम्हारी बिरादरी की लड़की के बारे में ऐसा वैसा कहे जाने पर तुम आपा खो बैठे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कसूर मेरा है। हबीब इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि कोर्ट कचहरी की नौबत आए, और अगर आ ही गई तो 323 में 1000 रुपए जुर्माना भर के तुम्हें छुड़वा देंगे। बाद में तुम्हारी तरक्की भी कर देंगे चुपके से। जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी सलाह पर की उसने ये बेवकूफी। अगर पूरी बात बताई होती तो मैं उससे कहती कि पूछना अपने लाला जी से, जो मैं भी आपका बेटा होता तो किसे कुर्बान करते। इनावली, मैं समझता हूं कि अब हमें सत्यवीर को बता ही देना चाहिए। फीरा वाली कही होती
तो उसे बताते कि ये तेरी माँ है। प्रज्ञावती तो किसी की माँ हो नहीं सकती वीर जी। कम से कम लाला वृषभान को तो बता दे। नहीं, किसी दिन बिल्कुल ही जरूरी हो गया तो मैंने आप ही बता देना है उनको। ये तो हुबहू प्रज्ञावती जी ही लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बुआ जी ने ही संन्यास लेके अपना नाम बदल लिया हो? माता जी हो रही तो बताते हैं कि बुआ जी। मैंने कही जी, पुराने किले के प्रिंस किस अधेड़बुन में हो मेरे यार। तुमने की कुर्बानियां, लालाओं ने की मेहरबानियां, अच्छी खासी मैनेजरी दे दी, और क्या लूटोगे। मैंने जो कुछ भी किया ये भी साहब की खातिर किया। ये डायलॉग तो तुम जैसे कहना। ये किसकी तस्वीर देख रहे हो? ये तुम्हारे माता जी, ये तुम्हारे पिताजी, और ये कौन खड़ी? क्यों भैया मेरे, इसमें भी कोई राज है क्या? ये मेरे बुआ जी हैं। ये तुम्हारे बुआ जी? ये आजकल कहाँ हैं? ये तो कब के गुजर गए। बुआ जी हैं, गुजर गए। कुछ गहराई चक्कर दिखे इन कुर्बानियों का, इन मेहरबानियों का। आपको तो पता होना है कि उनकी शादी होनी। क्या मैं रोकने बैठी हूँ? नहीं, आप मेरे को ये बताओ कि आप क्यों परेशान हो? जी मैं क्यों परेशान होने लगा? आप जाओ और अपने मंगला जी को बताओ कि मैं बबली को फटकार आया। जाओ सतबीर जी।